सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग हम चलने वाले हैं, अभी बताएंगे नहीं, वो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, एक सरप्राइज है। तो अभी रोहित भाई की मेरे पास कॉल आई थी कि मैं बाहर हूँ, कि आ जाओ तो भी बाहर रोड पे, बट अभी मैं देख के आया तो मुझे दिखे नहीं थे, तो एक बार दोबारा चला जाए कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, पता लग जाएगा आए नहीं आए। तो बोल रहे थे कि मैं मोड पर हूँ, ओके दिख गए, यानी कि मुझे वहाँ तक पैदल चल के जाना पड़ेगा इनके पास। तो सामने आ लिए हैं अपने भैया जो कि जाने के तैयार है। आराम से भाई। तो मैं और रोहित भाई दोनों निकल चुके हैं अपने घर से, और घर से निकलने का पर्पस यही था कि मैंने बताया था कि एक ना कुछ छोटा सरप्राइज है, सरप्राइज अभी रिवील नहीं करा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैकेनिकल चीज है एक जो रोहित भाई अपने घर में ऐड करने वाले हैं, उसी के लिए हम जा रहे हैं अभी। देखो प्रोसेस देखना अभी जाके क्या है, यानी क्या वेटिंग चल रही है उस पर, क्या नहीं है, बाकी पता अभी थोड़ी देर बाद ही चलेगा कि हम लेने क्या जा रहे हैं। तब तक के लिए एंजॉय करो अपना रास्ते का नजारा। यार कुछ नहीं भाई, मारुति कुंज वाला रोड है, बड़ा गंदा रोड है, बेशक हम यहाँ रहते हैं भाई, लेकिन सच बताना बड़ा बेकार। बारिश के टाइम पे मान लो अगर आपके पास प्राइवेट नाव है, प्राइवेट बोट है, तो भाई साहब यहाँ पे प्रॉपर इस रास्ते पे आप अपनी बोट चला सकते हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है भाई। तुम्हारे साथ सीन हो चुका है, बाइक आधी डूब जाती है, वो तो सुख है, बाइक के अंदर बोट वाला इंजन नहीं है ना, ऊपर ही ऊपर तैरेगी, अलग ही तैरती है। भाई साहब बंदे ने क्या मारा, फेंक के तारा अभी ऊपर से। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि देखो मारुति कुंज मोड़ पे अपने पे ना ये बस जब चल जाए ना, दूसरी गाड़ी निकले रोड गम बच जा। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं भाई। यस, और डेस्टिनेशन हमारी है ये। yes. ये नहीं, ये रॉयल एनफील्ड के शोरूम, और अभी अंदर ही पता चलेगा कि हम लेने के आए हैं। क्यों भाई, अब चलो जल्दी निकल। अभी थोड़ा सा सरप्राइज है, अभी पीछे करके थोड़ा सा है, थोड़ा सा और पीछे करके सीधा गाड़ी लगा दो भाई, गाड़ी थोड़ी सीटी करके लगा दो। कोई ना पीछे करके जाओ और ऐसे करके आने दो भाई, यही लगा दो, आने दो ठुकेगी तो पता चल जाएगी बस। तो भाई यहाँ से हमें लेनी है अपनी मशीन, और अभी तो देखने आए भाई, फॉर सेल रियोन या ले चलो, दो हो जाएंगी फिर, एक जैसी दो हो जाएंगी फिर। खुश सबसे महंगे भाई इनकी की एक्सेसरीज ये सारी, ये वाले है वो खड़ी ना, कितने की बताई भाई, इसे ले लो 438 की, यानी 4 लाख। ऐसा क्या है इसमें 4 लाख का? ड्यूल एग्जॉस्ट है क्या? हाँ ड्यूल एग्जॉस्ट है, और थोड़ी लुक में डिफरेंस है, और कुछ ना है। इसी को ले गए उसी को। तो भाई अभी भी सरप्राइज है कि लेना क्या है। गाइस स्टार्ट करो भाई एक बार। ओ भाई क्या साउंड है भाई, ये देखो नई वाली बुलेट है, इसके अंदर से तो किकी गायब कर दी इन्होंने, मतलब स्टैंडर्ड है ये, कोई कह नहीं सकता इसको स्टैंडर्ड है। हाँ क्या चीज वो जो इधर लग रहा है, ट्रिपर, वो एक्स्ट्रा लगे कर यहाँ से। तो भाई रोहित भाई को पसंद आई है ये हंटर 350, और इसी को लेने के लिए आज ये आए बुकिंग वुकिंग कराने। तो अभी भाई इसका बताओगे थोड़ा, ऑन रोड 2 लाख, इतने पैसे कहाँ आएंगे, बैंक लूटना पड़ेगा कोई सा। भाई हमें पसंद आई है अभी हंटर, और हंटर की अभी कोशिश हो रहा है यहाँ पे, भाई समझाएंगे प्रॉपर। अच्छे समझ लियो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तुम्हें बाद में। पीछे फोल्डेबल रहेगी? हाँ पीछे की तरफ, हाँ मतलब जैसे इसके तरफ ये रहा ना, इसके तरफ उसमें रहेगा ये प्रॉपर, पीछे की तरफ है जरूरत इसकी। आफ्टर मार्केट 1200 रुपये का देखा हमने, नहीं बताओ जैसे भी ठीक लगे, चलो यार ऐड कर लो और क्या। मैं तो फिर ऐड ही है सर, भाई बाइक और बड़ी गाड़ी भगे। तो भाई अभी ना इसकी मैंने टेस्ट ड्राइव लिए है, मीटियोर सुपर मीटियोर की, अभी रोहित भाई चलाएंगे। चलाओ कैसे चल रही है, रॉकेट इंजन है, रॉकेट
अब चलाओ चलाओ फेंक दो। भाई सीन ऐसा हो गया कि इनको अभी कुछ बैंक का कुछ रिलेटेड काम था, उस काम को भी हम करके आए हैं और करके आने के बाद अब दोबारा उनकी कॉल आई कि आप आ जाओ और अपना जो भी बाइक का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करा लो। तो इनके बैंक का काम करके और अब हम निकल रहे हैं अपना शोरूम की तरफ। आगे देख रहे तो भाई साहब भयंकर जाम लगा हुआ, कैडा वाला डंपर वाले ने फंसा दिया। अरे यू कहाँ पड़ रहा है चंदर, ओ ठोक दी ना, चलती रहे चलो। तो ये सीन है भाई, अभी बाकी हमारी दोनों छुट्टियां जैसी चलेगी पूरे दिन है भाई, सारा दिन इधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर। भाई साहब एक दिन का हॉलीडे ना पता ही नहीं चलता कि भाई मतलब छुट्टी भी है, क्यों उठो ही 10 बजे सो के आराम से, सो के उठने के बाद पता चलता है कि भाई 3-4 काम और दे दिए घर वालों ने। भाई इनकी बाइक के चक्कर में हम हो गए पागल, फाइनेंस ही ना हो गया तेरी। अच्छा फाइनेंस ना बतानी थी क्या? ये भाई लगे हुए तो है कैडे पट्टे, क्या पता ना कब तक होगा। दोबारा भाई सुबह से होगी शाम, दुनिया भर की बाइक कटी है यहाँ, ये हंटर पंटर और हम भी यहाँ पंटरों की तरह पटे सुबह तक। ये भारी पानी अभी और थोड़ी देर का काम है बस, चल रहे हैं। कंपनी क्या करेगी कंपनी का कुछ भी ना करवा सर, कंपनी से ही आरटी आपका आरटीओ और इंश्योरेंस है भाई। विजय सेल्समैन है जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो कह रहा डिस्काउंट है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वैल्यू जो रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी परसेंट इसमें रहता है आपका, ₹100 2 लाख से नीचे होता लगा छह। ये हो गई बाइक की बुकिंग डन, ये रख के हमारे पास पर्ची रॉयल एनफील्ड की है भाई, पूरा दिन निकाल दिया, आप चलो जल्दी से उधर गाड़ी अपनी। भाई भाई बड़ी मस्त है जो भी ये ले रहे हैं, एक नंबर बाइक है। कौन सी है? हंटर बाइक है भाई, बहुत जबरदस्त है। अब ये हमने खोल ही दिया, क्या कर रहे क्या नहीं, बाकी कल डिलीवरी है। कल लोगे डिलीवरी कब, परसों? कल शाम को डिलीवरी है और डिलीवरी व्लॉग भी बनाएंगे अब हम एक छोटा सा। फिलहाल अभी चलते हैं अपने घर, चाबी कहाँ इसकी, चलो। तो अब चल रहे हैं अपने घर, घर जाने से पहले एक छोटा सा काम हो रहा है, भाई को अपने बालगन के लिए क्या लेना है, टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स जो भी बोल देते हैं उसको। और अभी कैसा फील हो रहा है भाई बुक करके, मतलब बाइक नई एक अच्छा सिर्फ अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो पार्टी कहाँ है? पार्टी वहीं लेके बाद जी, इतनी मतलब ठरकी जी के मतलब 2-2.5 लाख रुपए फूक दिए उसमें बाइक में, और पार्टी वो भी ठरकी जी के बादशाहपुर। भाई कोई ढंग सी जगह बताओ। चल बादशाहपुर में है अपना वो क्या, तो माधवगढ़ साइड चलेंगे ना। जरूर माधव, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई पनीर ब्रेड का, पनीर पनीर के नाम पे ही है थोड़ा सा बस, ये काफी है इतना तो महंगाई का टाइम है, महंगाई टमाटर में वो भी खत्म हो गया आज के टाइम पे, बट टेस्ट अल्टीमेट टेस्ट है। जल्दी बैठ लो, चलो अब तो कहीं ना चलना ना, बस जूडियो चलना। क्यों? एक इलेक्ट्रॉनिक्स कपड़े और जूडियो, अब जूडियो की नई चीज बता दी भाई ने, यानी कि काम हमारे खत्म ही नहीं हो रहे किसी भी तरह से। पहुंच चुके अब इनके कपड़े लेना है जो कि है जूडियो के अंदर, और यार आज इन्होंने जूडियो में लाइट ना जला रखी, ये जो जूडियो लिखा हुआ है। बाकी तो यार देखो कलेक्शन तो थोड़े थोड़े ठीक है और चीजों से सस्ते भी है, है भाई ये देखो ये देसी पना पूरा ठीक है, मैं देख रहा हूँ अपने लिए यार कुछ कुछ रैकेट फील है थोड़ी थोड़ी, अरे जैकेट देख लो ये वाली नहीं वहाँ लटक रही है जैकेट, नहीं अरे इस बोतल में पैर रखी है ये वाली, इसके हाथ लगा के एक बार वाली तो ये नहीं लग रही, फोटो की अच्छे हैं ये वैसे यहाँ। ये चल गई और देखो यहाँ से फरारी जा रही है मेरे साइड से, रेड कलर की फरारी जो कि बैक हो रही है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा ना नीचे करिया गड़िया जाके, हाँ या फिर नीचे बड़े लोगों की बात की लगवा लो या मैं बाइक लगवा तो। सारा काम हो गया कंप्लीट और अब हम जा रहे अपना घर,
और भाई अभी ड्रॉप करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ में ड्रॉप करना है, ठीक है? बिल्कुल, और व्लॉग देखना प्रॉपर, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बताना जरूर कि जो हंटर बाइक हम ले रहे हैं, मतलब ये भाई ले रहे हैं, वो कैसी बाइक है, मतलब अपने रिव्यूज, पर्सनल रिव्यू आप अपना जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।